Let us start today the most complicated concept and सबसे ज़्यादा चैलेंजेस हमें यहाँ से मिल रहे हैं वेव ऑप्टिक्स से. तो मैं आज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहले आप एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए, देख लीजिए. देखिए, हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे जब भी बात करते हैं, जब भी बात आती है इंटरफेरेंस की, तो हम कहते हैं कि दिस इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी. मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट लाइट के ट्रांसवर्स नेचर को सजेस्ट करता है. ट्रांसवर्स नेचर को ये स्ट्रांगली फेवर करता है. ट्रांसवर्स नेचर में क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव कैसे होती है कि इसमें जो आपकी जो डायरेक्शन ऑफ वेव और डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होती है. इस तरह से हमारी वेव ट्रेवल करती है क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में, जिसमें क्रस्ट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड इन पॉजिटिव डायरेक्शन, और एम्पलीट्यूड वर्ड का मीनिंग जो होता है वो होता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन, कि मीन पोजिशन से एक्सट्रीम पोजिशन के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है. वन थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने कहा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इट मीन कि दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन होना लाइट एनर्जी का आफ्टर सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू वेव्स. जब दो वेव आपस में सुपर इम्पोज करती हैं तब दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड दैट रीडिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस. बट वन कंडीशन इज देयर, वो कंडीशन क्या है कि ये दोनों की दोनों वेव कैसे होनी चाहिए, कोहरेंट होनी चाहिए. दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन. आप कोहरेंस में क्या होता है, आप कोहरेंस को कैसे याद करते हो कि आप लाइट के बारे में क्या जानते हो, लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की फ्रीक्वेंसी, लाइट की वेवलेंथ. अब दो सोर्स ऐसे जिनकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सब कुछ सेम है, ऐसे दो सोर्सेस क्या कहलाएंगे, कोहरेंट सोर्सेस कहलाएंगे. अब इसमें एक बात मैंने फिर ऐड करी है, वो ये बात है कि टू सोर्सेस मस्ट लाई एट कांस्टेंट फेज डिफरेंस या जीरो फेज डिफरेंस. ऐसा पॉसिबल थोड़ी ही ना है. अगर हम इंडिपेंडेंट सोर्सेस ले रहे हैं, मान लो हम दो टॉर्च ले रहे हैं और दोनों टॉर्चेस की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सब कुछ बराबर है, क्या फेज डिफरेंस बराबर हो सकता है दोनों इंडिपेंडेंट सोर्सेस में? नेवर, क्योंकि उसके पार्टिकल कहीं और जा रहे हैं, उसके पार्टिकल कहीं और ट्रेवल करेंगे. तो ये जरूरी नहीं है कि उनमें कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस रहे, या जीरो तो हो ही नहीं सकता. देखिए, जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है. हाँ, बात करें कि कॉन्स्टेंट भी हो जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है. इसीलिए हमने यहाँ पे एक स्पेशल वर्ड लिखा, दैट वर्ड इज टू Independent sources can never be coherent, as there will be a very phase difference between the particles of two sources. Now, क्या हम फिर इसका मतलब क्या हुआ कि हम coherence की condition को gain नहीं कर सकते? नहीं, अगर ऐसा होता तो interference का topic मैं थोड़ी ना पढ़ाना होता आपको. ऐसा होता है कि हम coherence की condition को gain कर सकते हैं, but कैसे? उसके लिए हमारे पास एक है, आप इसी क्लास में स्टडी कर रहे हो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअल में हमारे पास सोर्स होता है, आप वहां पे कॉन्सेप्ट आता है वेव फ्रंट का. हाइजिन जी कहते हैं कि वेव फ्रंट का इंसिडेंस होगा, वेव फ्रंट का इंसिडेंस होगा दो होलो स्लिट्स के ऊपर, और दोनों के दोनों स्लिट दो कोहेरेंट सोर्सेज की तरह काम कर जाएंगे, ठीक है, और उनके कारण हमें जो रिजल्ट एंड पैटर्न मिलेगा वो स्क्रीन पे हमें पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है. एक आप जब ग्रेजुएशन की क्लासेस में जाओगे तो फ्रेशमैन वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे. वाइब्रेशन में दो प्रिज्म्स होते हैं, आपकी बेस टू बेस आपको कनेक्ट करना होता है. उसमें एक जो उसका जो वर्टेक्स है वो इमेज वन की तरह काम करेगा, दूसरा जो लोअर वर्टेक्स है वो इमेज टू, और ये दोनों की दोनों जो इमेजेस होंगे वो दो कोहेरेंट सोर्सेज की तरह काम करेगी. एक और भी है हमारे पास मेथड, जिसमें हम बोलते हैं लॉयड्स मिरर का कॉन्सेप्ट. उस मिरर में क्या होगा, एक सोर्स होगा, एक सोर्स की रिफ्लेक्टेड इमेज होगी, और वो दोनों के दोनों किसकी तरह काम करेंगे, टू कोहेरेंट सोर्सेज की तरह काम करेंगे. अब यहां पे एक वर्ड यूज किया था हमने फेज डिफरेंस की. फेज डिफरेंस क्या होता है, आप याद रखने के लिए देखिए कि अगर दो वेव ऐसे चल रही हैं कि उनमें पाथ का डिफरेंस है एक वेवलेंथ के बराबर, तो एंगल कितना होता है, 2π कितना, सॉरी पाई एंड पाई, दिस इज 2π. मैंने यही कहा कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना है, 2π. अगर हमारे पास ऐसी दो वेव है जिनके बीच पाथ डिफरेंस 1 है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 2π/λ. अगर x है तो 2π/λ/x, यानी कि एक सीधा फॉर्मूला बन जाता है फेज डिफरेंस निकालने का, वो है 2π/λ/πd. अब वेव्स दो तरह से सुपरइम्पोज कर सकते हैं, कैसे, कि एक वेव चल रही है ऐसे ऐसे जा रही है, आपने ट्रांसवर्स नेचर माना, अगर उसी के साथ दूसरी वेव चल पड़े
तो क्या इंक्रीज होगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। और एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो आपको पता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का पावर टू, है ना। तो अल्टीमेटली अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, यस ऑफ कोर्स इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने दो तरह से इंटरफेरेंस को कहा कंस्ट्रक्टिव, जिसमें दो वेव एक दूसरे के साथ चलती है, ऐसे एक वेव जा रही थी दूसरी उसी के साथ हो ली तो उसमें क्या बढ़ा, एम्पलीट्यूड बढ़ा। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है राइट। इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव में दो वेव एक दूसरे का अपोजिट चलते हैं, उनके बीच एंगल बनता है 180 डिग्री, यानी फेज डिफरेंस उनमें कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। 180 डिग्री फेज डिफरेंस होता है तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होगा उसके एम्पलीट्यूड में से माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के कारण आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कैसे मिलेगी, स्मॉल वैल्यू मिलेगी। कितनी स्मॉल, इससे कम हो भी नहीं सकती भाई, इससे कम नहीं हो सकती, उसका नाम है डिस्ट्रक्टिव। दो तरह के इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव कैसे है, जिसमें दो वेव साथ साथ चल रही है, साथ साथ कैसे चलेगी, क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल करेगा, ट्रफ ट्रफ पे फॉल करेगा, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी का यहां पे क्या मतलब है, ब्राइट स्पॉट आपको मिलेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डार्क स्पॉट आपको मिलेगी। तो ये था आपके पास कॉन्सेप्ट, एक जनरल ब्रीफ था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में। अगर आपने अब तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।